हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीहू टॉयज में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सवाल बुक की वन फॉर ऑल वर्कबुक कॉन्सेप्ट वाइज क्लास थ्री की मैथ्स की, क्लास फर्स्ट फाइव की मैथ्स की और क्लास फोर्थ की मैथ्स की। ठीक है, ये आपको मिल जाती है सीबीएसई, ये रिलेवेंट है सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड से रिलेवेंट है। और इसमें आपको मिल जाते हैं, ये बेस्ड ऑन द लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफए बेस है। इसमें ये आपको मिल जाता है कॉन्सेप्ट वाइज वर्कशीट, इसमें मिल जाती है रिवीजन नोट्स, मिल जाते हैं माइंड मैप, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स और एक्टिविटी एंड वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कोई टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक, इसमें क्या क्या सिलेबस आता है। इसमें जो सिलेबस है वो है नंबर्स, वर्कशीट वन मिलेगी, वर्कशीट टू, वर्कशीट थ्री, नंबर सिस्टम, ऑर्डरिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर, नंबर ऑपरेशन है वर्कशीट वन, वर्कशीट टू, वर्कशीट थ्री, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कैरी ओवर एंड बोरो ओवर नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मेजरमेंट, कैलेंडर एंड मनी, ज्योमेट्री, फ्रैक्शंस, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड सिमेट्री, ये पूरा चैप्टर है। जैसे ये नंबर्स हैं तो इंट्रोडक्शन उन्होंने समझाया, ये आपको माइंड मैप मिल जाएगा नंबर से रिलेटेड। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन उन्होंने समझाया है इस पर, ठीक है, नंबर सिस्टम, फिर नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर आपको टॉपिक को समझाना है तो ये क्यूआर स्कैन कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करिए, बच्चों को वीडियो देख के भी समझा सकते हैं। फिर उस टॉपिक को उन्होंने समझाया 1, 10, 100, 1000। उसके बाद हमारा ये आता है वर्कशीट, उसी से रिलेटेड आपको वर्कशीट मिल जाएगी। अगर आप वर्कशीट आप चेक करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने सारे चैप्टर को दे रखा है, एक ही चैप्टर को 2-3 में डिवाइड किया हुआ है ताकि बच्चे अच्छे से समझ के फिर इसको सॉल्व कर सकें। अब ऑर्डरिंग नंबर से रिलेटेड इन्होंने समझाया है यहाँ पे, ऑर्डरिंग नंबर क्या होता है, ऑर्डरिंग नंबर, प्रेडिसर एंड सक्सेसर क्या होता है, फिर उसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मतलब वर्कशीट दी हुई है सॉल्व करने के लिए। फिर इन्होंने समझाया कंपेयरिंग नंबर क्या होता है, राउंड ऑफ नंबर क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड इन्होंने वर्कशीट दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से स्कैन करिए और इसके आंसर शीट देख सकते हैं। नंबर ऑपरेशन आ गया हमारा सेकंड चैप्टर। तो ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स से मिल से रिलेटेड आपको टॉपिक समझाए गए हैं, फिर उससे रिलेटेड आपको वर्कशीट दी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर एक बार समझा दिया गया फिर वर्कशीट दी गई, नहीं, छोटे छोटे टॉपिक को समझाया गया फिर उसमें वर्कशीट दी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे इसके सारे चैप्टर्स, रिविजन है, मेजरमेंट, अब हम आते हैं क्लास फोर्थ की मैथ्स की, सेम वन फॉर ऑल वर्कबुक कॉन्सेप्ट वाइज सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड से रिलेवेंट है। इसका सिलेबस देख लेते हैं, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, देखिए वर्कशीट वन में इन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझाया है, वर्कशीट टू में एक्सपेंडेड फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, वर्कशीट थ्री में ऑर्डरिंग नंबर, वर्कशीट फोर में राउंडिंग नंबर एंड एस्टिमेशन, वर्कशीट फाइव में रोमन नंबर, उसको उन्होंने समझाया है, फिर उससे रिलेटेड वर्कशीट दी हुई है, वर्कशीट 1, 2, 3, 4। अब आते हैं नंबर ऑपरेशन में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, प्लेइंग विद नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, एससीएफ एंड एलसीएम, प्लेइंग विद नंबर्स, फ्रैक्शंस, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस एंड देयर इंटरवर्जन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ऑपरेशन एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल है, उससे तीन वर्कशीट है, मिस्ट्री, मैट्रिक सिस्टम एंड मनी, उससे रिलेटेड आप दो वर्कशीट मिल जाएगी, यूनिटरी मेथड 1 वर्कशीट, ज्योमेट्री 2 वर्कशीट मिल जाएगी, जो टॉपिक समझाया गया उससे रिलेटेड आपको वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, सेम इसमें भी आपको वही मिलेगा, क्यूआर कोड है, पहले टॉपिक को समझा दिया गया है, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाता है स्कैन करने के लिए, वीडियोस के थ्रू आप सब बच्चों को समझा सकते हैं या फिर उसके बाद आप वर्कशीट सॉल्व करवा सकते हैं, उसके बाद आप वर्कशीट सॉल्व करवा सकते हैं, क्यूआर कोड दिया हुआ है, स्कैन करा के आप बच्चों को वीडियो के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है, फिर आप वर्कशीट सॉल्व करवा सकते हैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम है, वर्कशीट 1 है, अगर आंसर शीट देखना है तो आप इसको स्कैन करें या बच्चों आंसर शीट देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही इन्होंने पूरे टॉपिक को इसमें समझाया गया है, नंबर सिस्टम, इसका बाय लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। अब हम देख लेते हैं क्लास फिफ्थ की मैथ्स की, क्लास फिफ्थ की मैथ्स का सिलेबस हम देख लेते हैं, इसमें आता है नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम, नंबर ऑपरेशन वर्कशीट 1, 2, 3 है, अंडरस्टैंडिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर एंड राउंड ऑफ रोमन नंबर्स, ओके। और नंबर ऑपरेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, उससे रिलेटेड चार वर्कशीट मिलेगी आपको। प्लेइंग विथ नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीगर्स, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, ठीक है। टॉपिक है, उससे रिलेटेड दो दो तीन तीन वर्कशीट दी हुई है, छोटे छोटे टॉपिक को समझाया गया है, फिर उससे रिलेटेड आपको वर्कशीट इसमें। यह है नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन, माइंड मैप समझाया जाएगा टॉपिक को, फिर आपको वर्कशीट मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही आपको नंबर ऑपरेशन है, जैसे मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसमें आपको मिलेगा कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, कैसे इसको ऐड करना है, वो है। प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चन में क्या क्या आता है हमारा, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, मैच करने होते हैं, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। सो पूरे टॉपिक, पूरे बुक में इन्होंने हर चैप्टर को कैसे ही समझाया है, पहले समझाया है, फिर उससे रिलेटेड इन्होंने वर्कशीट दी हुई है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। तो ये रही हमारी क्लास 5th की मैथ्स की, क्लास 4th की मैथ्स की और क्लास 3rd की मैथ्स की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।